HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। देश में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा के किनारे श्रद्धालुओं ने सभी के लिए सुख शांति की कामना की है। भारत एक विविध धर्मों वाला देश है, जिसकी विशेषता उसकी विभिन्न धार्मिक प्रथाएं और विश्वास है। भारत की इस आध्यात्मिक भूमि ने कई धर्मों को जन्म दिया है और उन्हीं धर्मों से जुड़ी कई प्रथाएं हैं, जिनके प्रति लोगों की अगाध आस्था है। भारतवासियों के लिए गंगा स्नान भी आस्था का केंद्र बिंदु है। आज गंगा दशहरा का पर्व सभी के लिए बेहद खास है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने आज वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पे हम लोग यहाँ आए, सबने मिलकर स्नान किया और हमारी ये धर्म की नगरी है, इसमें आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, सबको कितनी श्रद्धा है हमारे गंगा यमुना सरस्वती से। दूर दूर से लोग आए हैं और हमने पूजा किया, पाठ किया, उसके बाद कुछ नया करने की कोशिश किया हमने कि जो हम कागज़ की नाव डाल देते हैं पानी में, उसमें केमिकल होता है, तो हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो हमने देसी गाय के गोबर से दिया बनाई और उसी दिया को हमने गंगा में प्रवाहित किया और लोगों में वितरण किया, लोगों को जागरूक किया कि गंगा को स्वच्छ रखें। गंगा किनारे लोगों का बड़ा हुजूम देखने को मिला। सभी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए अपने परिवार और देश के लिए सुख शांति की कामना की। बहुत बढ़िया, माँ की असीम कृपा है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया। आज क्या है? आज गंगा दशहरा जी, आज दशहरा का स्नान करने के लिए आए हुए हैं। हर की पौड़ी बना रहे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत उत्साह है गंगा दशहरा के लिए। क्या मांगा? गंगा मैया से मांगा घर में बच्चों को सब सुख शांति बनी रहे, घर में बरकत करे। सिक्योरिटी अच्छी है, प्रशासन बहुत बढ़िया, सही टाइट है प्रशासन। कल रात से आए हुए हम, वैसे प्रशासन ठीक है, सिक्योरिटी अच्छी कर रखे, सफाई सफाई बढ़िया है। बहुत उत्साह है जी, आज बहुत ज्यादा भीड़ है, अच्छी भीड़ है, श्रद्धालु बहुत आए हुए हैं आज। हिंदू धर्म की मान्यताओं की माने तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन स्वर्ग से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए यह महापुण्यकारी पर्व माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन सभी गंगा मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आज भारतवर्ष में हिमालय पर गंगा जी स्वर्ग छोड़ करके हिमालय पे आई, जहाँ भगवान शंकर ने अपने जटा में रोका, आज पर्व का नाम है गंगा दशहरा। आज ही दिन गंगा जी मृत्यु पर आई हुई थी और आज ही के दिन सिद्धबन रामेश्वर जो मंदिर है उसकी प्राण प्रथा आज ही दिन हुई थी। आज के दिन गंगा स्नान करने से और खासकर गंगा पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गंगा स्नान करते हैं या और लोगों को, गरीबों को दान देते हैं, ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, महापुरुषों को सत्कार करते हैं, अपने माता पिता की वंदना करते हैं, इस कार्य करने से घर के अंदर खुशहाली रहती है। जो आज के दिन भगवान की पूजा करे, खासकर शंकर जी की और माँ गंगा की, क्यों आज उनका अवतरण है, जन्म चुका, वो सप्तमी को हो चुका, आज स्वर्ग से पृथ्वी आई हुई, ये विशेष दिन है। और प्रयागराज में तो आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये उसी का प्रकाश है कि आज इतनी भीड़ यहाँ पर हुई गंगा स्नान करने के लिए। अब तो भीड़ पहले से बहुत ज़्यादा आप होगी, अभी पहले इतनी भीड़ नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोगों में आस्था बढ़ी गंगा जी में और लोग मानते हैं। और गंगा जी का जन्म कैसे हुआ ये लोग नहीं, गंगा जी का जो ये जल है, ये जल नहीं है, अमृत भी नहीं है, ये एक है ब्रह्मद्रव। भगवान शंकर के एक बार नाचने गाने से भगवान श्री कृष्ण वरदा प्रसन्न हो गए, वो दोनों की मूर्ति पिघल गई, वो पिघला हुआ जो द्रव है वही गंगा जी है। इसमें जो व्यक्ति पूजा करता है उसके फल की जो गंगा में थूकता है, कूड़ा फेंकता है, गंदगी करता है, और औरों द्रव भोगता है, कोई राय नहीं। बोलो गंगा मैया की जय। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।